आइए बच्चों, आज हम कंटिन्यू होते हैं कमलादास के बारे में, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री इन इंडिया, इंडियन वुमेन हिस्ट्री। इनका जन्म 31 मार्च 1934, मालाबार जिला, मद्रास। निकनेम माधवी कुट्टी। इनका जो व्यवसाय था साहित्य जगत में, वो कवियत्री के रूप में, पोएट्रेस के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, कथाकार के रूप में था। इनकी जो राष्ट्रीयता थी, नेशनलिटी, वह भारतीय थी। विधा काव्य को लिखने की, राइटिंग करने की, वो थी काव्य, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण इट्सेट्रा। इनको कुछ वहाँ पे प्राप्त हुए थे सम्मान, है ना, वे हैं HHN पुरस्कार जो कि मद्रास में दिया जाता है, वेलार पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, है आसन विश्व पुरस्कार और एशियाई काव्य पुरस्कार, केंट पुरस्कार एट्सेट्रा। इनकी जो जीवन साथी था इनका, वो थे के माधव दास। इनकी प्रमुख मुख्य तीन संतानें थीं, माधव दास नालापत, दूसरे चित्रेन दास और तीसरे जयसूवी दास। तत्पश्चात इनकी कुछ वर्ष पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। 31 मार्च का इनका जन्म हुआ था और 31 मई 2009 इनकी उम्र उस समय 75 साल की होती, 75 ईयर्स ओल्ड डेड हो जाती हैं पूरे महाराष्ट्र में। आइए अब हम लोग जो इनकी पोयम है, वो पोयम है, देखते हैं क्या है, क्लास 12th माई मदर एट 66। ये आपके सिलेबस की फर्स्ट पोयम है, इसको हमें अध्ययन करना है। इसमें एक माँ होती है और उसकी पुत्री होती है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, आइकन पर प्रदर्शित है, माँ है और बेटी है। बेटी अपने माँ से मिलने के लिए जाती है, फिर माँ उसे ड्रॉप करने आती है। कहाँ ड्रॉप करती है, क्या उससे वो दोनों बिछोड़ते हैं, क्या होता है, पंक्तियों में देखते हैं, बी कंटिन्यू होते हैं। आइए, लिखा गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई मदर्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये जो सारी कविता है ये फ्री वर्स में है, फ्री वर्स में लिखी गई है। इसको आप कमेंट में डाल सकते हो, जो पोयम है फ्री वर्स में है, उन्मुक्त छंद में है। पंक्ति पर प्रदर्शित हो रहा है, ड्राइविंग यात्रा कर रही थी, है ना, अपनी कार से आ रही थी। कौन आ रहा था, फ्रॉम माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से कमलदास आ रही थी। कहाँ आ रही थी, कोचिन। कोचिन है एक स्थान, है प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये है एक प्रकार का हवाई अड्डा कोचिन। तो घर से अपनी माँ के साथ कमलादास जी शुक्रवार के दिन आ रही थी, है ना, वो भी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, है ना, सुबह सुबह में निकली हुई थी। आयशा, कमलादास कह रही हैं, मैंने देखा आयशा, मैंने देखा, किसको देखा, मदर, अपनी माँ को देखा। बिसाइड्स, मेरे पास वो भी बैठी हुई थी, वो भी स्थान ग्रहण की हुई थी, वो भी मेरे पास बैठी हुई थी। डोज, क्या कर रही थी, डोजिंग कर रही थी, वो अभी ऊँघ रही थी, है ना, डोजिंग होता है टू स्लीप लाइटली, बहुत ही ज़्यादा वो ऊँघ रही थी, सो रही थी। अपान, लिखा गया आगे, ओपन माउथ, और उनका मुख जो था, मुखमंडल जो था वो ओपन था, उस समय खुला हुआ था, है ना। हर फेस अशेन लाई, और उनका जो चेहरा था बच्चों, हाँ, बहुत पीला पड़ गया था, बहुत ही पीला पड़ गया था। लिखा गया है, दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि कोई एक लाश हो, है ना, डेड बॉडी हो। एंड रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया बच्चों, और मैंने महसूस किया विथ पेन, कष्ट के साथ, दर्द के साथ, चुभन के साथ, दैट की सी वाज एस ओल्ड, कि वो अब तो हो चुकी हैं, क्या हो चुकी हैं, अब वो वृद्धावस्था के बारे में इन्होंने थिंकिंग किया कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, है ना, वो वृद्ध हो चुकी हैं। आगे देखिए, शी लुक्ड, और मैं फिर देखी, बाहर की तरफ देखी,
बट सुन, लेकिन अचानक थ्रो भी जब बाहर देखती हूँ एंड लुकड आउट ए यंग ट्रीज, तो मुझको दिखाई क्या पड़ता है? हाँ, हमको दिखाई पड़ता है उसमें पेड़ दिखाई पड़ते हैं, यंग ट्रीज, छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो वृक्ष थे उस समय वो हमको दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? जैसे कि कोई भागा जा रहा हो, दौड़ा जा रहा हो, इस प्रकार वो हमको वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। लिखा गया वर्ड स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग क्या होता है बच्चों? ये है घुमाने के लिए होता है, चक्कर के लिए होता है ना, दौड़ते हुए, एस इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एज ए सेशन ऑफ रनिंग। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मैरी चिल्ड्रेन, मैरी चिल्ड्रेन वर्ड आया है, मीन्स प्रसन्न बच्चे, उन्मुक्त बच्चे, खिलखिलाकर हंस रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, वो भी स्पिलिंग कर रहे थे, वो भी भाग रहे थे, वो भी दौड़ रहे थे, कहाँ से? डियर होम्स, अपने घरों से, है ना, अपने घरों से भाग रहे थे। थोड़ा मैंने आगे क्लिक नहीं किया सर्वर को, देखिए स्पिनिंग कर रहे थे मेरी चिल्ड्रेन। आगे देखिए, बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन मैं जब आगे कुछ बढ़ी तो हमको क्या दिखाई पड़ता है कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों ने मेरे सामान की क्या की? जांच पड़ताल की कि मेरे सामान में कुछ अवैध ऐसी चीजें तो नहीं है जो नहीं ले जाया जाता है। किसके द्वारा? हवाई जहाज के द्वारा, एयरपोर्ट पर नहीं ले जाया जाता है, वहाँ पर चेकिंग लगी हुई थी, सिक्योरिटी लगी हुई थी, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों ने चेक किया। आगे बच्चों देखना, स्टैंडिंग ऑफ योर, और कुछ ही कदम पहले, कुछ ही कदम पश्चात, स्टैंडिंग जहाँ पर मैं खड़ी थी, स्टैंडिंग जहाँ पर मैं खड़ी थी, ए फ्यू यार्ड्स, कुछ ही कदम पर, किसके? अपनी माँ के पास। आई लुक्ड अगेन हर, मैंने उनकी तरफ पुनः देखा, मैंने उनकी तरफ पुनः देखा। क्या देखा बच्चों? लिखा गया है वैन। वैन क्या होता है? पीला, कमजोर, उनका चेहरा जो था बहुत ही पीला पड़ चुका था, और ही अधिक, मीन्स इंग्लिश सिनोनिम्स ऑफ वैन, कलरलेस, लुकिंग पैले एंड वीक, कमजोर पड़ गया था, पीला पड़ गया था, सूख गया था, है ना। मैंने उनके अब चेहरे को देखा। एज ओ लेट विंटर मून एंड फेल्ट, जैसे सर्दियों की रात में उषा काल से पहले चंद्रमा का रंग पीला पड़ जाता है ना, कुछ उसी प्रकार इनके चेहरे को मैंने देखा। आगे देखना और क्या लिखा गया। ओल्ड फैमिलियर एच, हाँ, मैंने पुराना परिचित दर्द महसूस किया, कष्ट महसूस किया। और क्या है? माई चाइल्डिश फियर, और बचपन का डर मन में कमिंग हुआ आया वो भी। और फिर मैंने कहा, क्या कहा? सी यू सून अम्मा, मैंने मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को क्या किया? बाय बाय किया, अलविदा कहा, ओ माँ अब हम चलते हैं, और जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगानी रही तो और फिर मिलेंगे, और पुनः जल्दी मिलने का हमने उनसे क्या किया? वादा किया, प्रॉमिस किया। यहाँ पे मुस्कुराने का संदर्भ है कि मैं प्रेम से आपको छोड़ रही हूँ, अलविदा कह रही हूँ, तो इसलिए मैं आपसे पुनः मिलूंगी। और इस सब के क्रम में आई डिड स्माइल, मैं मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा रही थी माँ को देखकर कि जब मैं माँ से मिलूंगी तो हमारा मिलन होगा, एक स्वच्छंद मिलन होगा, और फिर से मिल सकेंगी। तो बच्चों ये पोयम थी माई मदर एट 66। इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन करना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोयम है, ठीक है। और वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।